starts with the name of Allah Almighty, who created a man with a clot of blood and who is very kind and merciful. Assalamu alaikum, प्यारे बच्चों, and hopes you all are fine with the grace of Allah Almighty. ठीक है ना? और आज जैसे कि पता है आपको, आज जो मैथ का है आपका टेस्ट है, दिस मैथ आपको पता है कि बड़ा इंजॉयबल और बड़ा एक गेम है जिसको आप जितना प्ले करेंगे ना, ये उतना ही आपके जो है ना वो अंडरस्टैंड करेंगे. आप इसको ये नहीं कह सकते कि एक क्वेश्चन कर लिया तो सारा मैथ आ गया. इसमें आपने हर क्वेश्चन को बार बार करना होता है और समझ के करना होता है, ना तो इसका रट्टा लगता है. ठीक है ना? इसको बहुत ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है, इसके रूल्स को और इसकी जो होती है ना रेगुलेशन, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना पड़ता है. तो आज आपका असेसमेंट डे है. आपको पता है कि आज जो है ना, अम्मा ने आपको पेज नंबर 7 से 9 तक आपको दिया था इसकी असेसमेंट. तो आपने यकीनन बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी. ठीक है ना? हर लेक्चर को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा भी होगा और उसको अंडरस्टैंड भी किया होगा. चलें जी, अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से सब बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे. चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी. नोटबुक ओपन करें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, डे एंड डेट लिखें और क्वेश्चन नंबर 1 लिख के, टॉपिक लिख के, पेज नंबर लिख के बैठ जाएँ जल्दी से. हरी अब चलें जी, बस हो गया. चलें जी सब, आप पेंसिल अपने हाथ में पकड़ें, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे. आप लोग पहले ऊपर लिखेंगे, टॉपिक लिख लिया होगा ना, आप ऊपर स्टेटमेंट लिखेंगे, फिल इन द स्क्वायर्स विद द अप्रोप्रिएट सिंबल, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल. ठीक है? अब आपने इसमें ग्रेटर देन का साइन लगाना है, कौन सा इनमें से बड़ा है और कौन सा स्मॉलर है. ठीक है? सबसे पहले है क्वेश्चन 22,345,000 एक अमाउंट ये है. दूसरी है 22,345,010. सबने लिख लिया है? चलें शाबाश, लिख लिया है. तो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे. अब आप लिखेंगे अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर वाले नंबर्स जो हैं वो आपने ध्यान से सुनने हैं. ठीक है ना? ये है 111,453. दूसरी है 135,456. फिर है 835,456. फिर है 296 और 3. फिर है 346,913. ये वाली अमाउंट आपने अच्छे तरीके से लिख लें. ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर क्या है ये भी आपको बताया गया था, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है ये भी आपको बताया गया था. ये भी आपने अमाउंट आप लिखनी है. क्वेश्चन लिखना है 926,331, 902,133, 26,999, 39,127, 121,321. ये अमाउंट आपने अच्छे तरीके से लिखनी है और इनके नीचे प्यारे से बॉक्स बना लें या इसको लहदा लहदा करके आपने लिखना है ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में मदद मिले. हर अमाउंट क्लियर होनी चाहिए. ये नहीं है कि एक अमाउंट के अंदर आप दूसरी फंसा फंसा के लिखते हैं और कोई पता ना चले क्या है. गैप होना चाहिए. एक अमाउंट एक डिजिट नंबर लिखने के बाद उसके अंदर एक फिंगर का डिस्टेंस होना चाहिए. ठीक है? फिर आपने नेक्स्ट नंबर पुट करना है, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, ताकि उसमें आंसर में हमें डिफ़िकल्टी ना हो चेक करने में और आपके मार्क्स ना कटें. ठीक है? चलें जी, इस टेस्ट को आप अच्छे तरीके से करेंगे और इसकी डायरी लिख लें ज़रा जल्दी से. सॉल्व क्वेश्चन एफ जी एच एक्सरसाइज 8 पेज नंबर 11 ऑन नोटबुक. ठीक है? इट्स ओवर नो. अल्लाह हाफिज़.